हाय दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों, होली आने वाली है, तो क्या आपने अभी तक पापड़ नहीं बनाया है? तो चलिए बनाइए। तो दोस्तों, हमने बनाया गेहूं के आटे का पापड़। तो दोस्तों, मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे गेहूं के आटे से पापड़ बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और कलरफुल पापड़ हमने बनाया, बिल्कुल मुलायम पापड़ हमने बनाया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बनाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। मैं डेली पापड़ की वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, बिल्कुल मुलायम पापड़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम गेहूं का आटा लेंगे। एक कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे को हमने छान लिया है, तो एक बड़े बाउल में डालेंगे। तो अब इसमें हम पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। तो हमें पानी ये ज़रूरी नहीं कि नाप कर डालना है, ऐसे ही पानी हम बिना नापे डाल देंगे और इसको हम घोल लेंगे और पानी डाल देते हैं। और इसमें गुल्ठियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छे से हम घोल लेंगे इसको। तो आटे को हमने घोल लिया है, इसे हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे फूलने के लिए। ढक कर 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो 2 घंटे बाद हमारा आटा फूल गया है। हमने इसलिए फुलाया है कि इसमें का चोकर निकालना है हमें, मोटा मोटा आटा जो होता है ना, उसे हमें निकालना है। तो अब इसे हम छानेंगे। एक छोटा सा भगोना रखेंगे और एक बड़ी सी छलनी रखेंगे और घोल को हम डालेंगे छलनी में और चम्मच से घुमाते हुए इसको हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें का जो मोटा मोटा चोकर हो निकल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने छान लिया है। फिर से हम डाल देंगे, ये जो बचा है ना सारा डाल देंगे और अच्छे से छान लेंगे। तो चम्मच से घुमाते हुए दबा दबा कर हम इसको छान लेते हैं। तो इसको हमने छान लिया है, इतना जो चोकर निकल गया है इसे हम फाइट कर देंगे, जूठन की बाल्टी में डाल देंगे। तो दोस्तों, इस पापड़ की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कहीं भी नहीं जाना, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, घर में आटा तो रहता ही सभी के घर में। तो आटा को घोलिए और पापड़ बनाना शुरू कीजिए। तो इतना चोकर हमने निकाल दिया है, इसे हम साइड कर देते हैं। इतना मोटा मोटा चोकर निकल गया है तो पापड़ बहुत अच्छे से बनेगा। तो अब इसे हम 2 घंटे के लिए फिर छोड़ देंगे ताकि ये नीचे बैठ जाए आटा, और जो ज़्यादा पानी हो उसे हम बाद में निकाल देंगे। तो 2 घंटे के बाद हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, पानी ऊपर हो गया है और आटा नीचे बैठ गया है। तो हम ऊपर ऊपर का पानी निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इस होली में डेली पापड़ की वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ, आप चैनल पे जाकर देख लीजिए। इसे साइड कर देंगे, ये रखा रहेगा, बनाते बनाते फिर से नीचे आटा बैठ जाएगा तो उससे भी पापड़ हम बना लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में घोल हमारा तैयार हुआ है। तो दोस्तों, हम कलरफुल पापड़ बनाएंगे। तो अब हम आटे के घोल में मसाला डाल देंगे, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा कलौंजी यानी करायल डाल देंगे और 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल देंगे। तो दोस्तों, हमने नमक भी डाल दिया था, तो नमक डालते समय हमारा कैमरा ऑफ हो गया था। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हम 3 कटोरियाँ रखेंगे, क्योंकि हमें कलरफुल पापड़ बनाना है तो हम 3 कटोरियों में डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पापड़ को हम भाप में बनाने वाले हैं। हम अभी आपको बताएंगे भाप में पापड़ कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो 3 कटोरी में हमने डिवाइड कर लिया है और ये फूड कलर हमने लिया है 3 कलर के। अब तीनों कलर को हम डालेंगे। ये रहा हमारा ऑरेंज कलर और ये रहा हमारा ग्रीन कलर और ये रहा येलो कलर। थोड़ा थोड़ा हम तीनों में डाल देते हैं और हम तीनों को मिला देंगे और हम अलग अलग चम्मच का यूज करेंगे।
ये रहा हमारा येलो कलर, इसको भी मिला देंगे। तो दोस्तों आप बिना कलर के भी बना सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना कलर के बना सकते हैं। और ये रहा हमारा वाइट कलर, तो हम चार कलर से पापड़ बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हमने इस तरह की कटोरियाँ लिया है जिसका तला बराबर हो, और इस तरह का प्लास्टिक का ढक्कन और टिफ़िन का ढक्कन। तो इनमें हम लगाएंगे रिफाइंड ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल ही लगाइएगा, सरसों का तेल नहीं लगाइएगा। तो हमने लगा दिया है सभी कटोरियों में। अब एक दो दो चम्मच हम डालेंगे, सारे कलर के डालेंगे दो दो चम्मच सारे कटोरियों और ढक्कन में। और ये रहा येलो कलर, इसको भी डालेंगे। और ये रहा हमारा ऑरेंज कलर, इसको भी डालेंगे। और इधर वाइट कलर, तो सारे कलर हमने डाल दिया है। अब इस तरह से हल्का हल्का हाथों से हिलाकर फैला देंगे, और पानी गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। तो ये सारे हमारे तैयार हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। इधर हमारा पानी गर्म है, हमने इस तरह की दूध ढकने वाली छलनी लिया है, आप चाहें तो आटा चालने वाली छलनी भी ले सकते हैं। तो सारी कटोरियों को रख देंगे। तो इस वाली कटोरी को हटाएंगे और दो प्लास्टिक वाले ढक्कन को रखेंगे। तो रख दिया है हमने, अब हम ढक देंगे लगभग दो तीन मिनट के लिए। दो तीन मिनट के बाद हम खोल कर देख लेते हैं। तो दोस्तों हम पापड़ को हाथों से दबाकर चेक कर लेंगे, टाइट है तो यानी पक गया है। तो अब सारे निकाल लेते हैं। तो हमने दूसरी कटोरी में तैयार कर लिया था, उसे रख देंगे। हमने एक बार में चार कटोरी रख दिया, आपकी जितनी बड़ी कढ़ाई हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इधर इसे ढक देंगे और ये ठंडा हो गया है। अब इसे हम निकाल के आपको दिखाते हैं, किनारों किनारों में चाकू से छुटा देंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए कितने आसानी से निकल जाता है। भाप में पापड़ इसी तरह बनाया जाता है। तो आप भी कलरफुल पापड़ बना सकते हैं। और एक थाली में रखते जाएंगे, हमें बार बार छत पे नहीं दौड़ना है, एक बार में ही जाएंगे छत पे। सारे पापड़ बनाकर रखते जाएंगे थाली में, और एक बार जाएंगे छत पे, सीधा धूप में डाल देंगे। आप बिना धूप में डाले भी सुखा सकते हैं पंखे की हवा में, लेकिन मैं धूप में सुखाऊंगी। तो सारे निकाल लेंगे और इसे हम खोल कर देख लेते हैं, ये पक कर तैयार है। तो हमने फिर ढक्कन में स्टफिंग भर के तैयार कर लिया है, उसे रख देंगे इसको निकालने के बाद। रख कर हमने ढक दिया है, अब कटोरी वालों को भी निकाल लेंगे सारा। ये सारा हम निकाल कर रखते जाएंगे इसी थाली में। तो आपके पास अगर इस तरह की प्लेट हो ना, तो आप इस प्लेट में भी बना सकते हैं और उसको उल्टा कर देंगे। आप कलर कलर में भी बना सकते हैं, मैंने चार कलर को डाला है। ढक देंगे और खोल कर देख लेंगे दो तीन चार मिनट के बाद। तो इसको चेक कर लेंगे, अगर टाइट है तो पक गया है, तो पक गया है। और इसमें भी हमने तैयार कर लिया था, उसको रख कर ढक देंगे। और इधर ये ठंडा हो गया है, इसे हम पीस में कट करेंगे। अगर आपके पास इससे बड़ी प्लेट हो या थाली हो ना, उससे भी आप बना सकते हैं, एक बार में बड़ा सा पापड़ बना सकते हैं, उसके बाद कट कर दीजिए। तो ये हमने कट कर दिया, आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से निकल गया है। हमने गेहूं के आटे से पापड़ बनाया, कितना अच्छा हमारा पापड़ बना। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा गेहूं के आटे से पापड़। तो सारा हमने बना लिया है, सारा स्टफिंग ख़त्म हो गया है। ये देखिए दोनों थाली में हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं छत पे धूप में डालने के लिए। हम एक बार ही जाएंगे, बार बार हमें दौड़ना बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, एक बार में जाएंगे। तो यहाँ छत पे हम आ गए हैं, छत पे प्लास्टिक की सीट बिछाई हुई है मैंने। तो अब हम सारे पापड़ को धूप में डाल देंगे।
तो हम सारे कलर को अलग में डालेंगे। तो सबसे पहले वाइट कलर को डालेंगे, सारे कलर अलग अलग डालेंगे ताकि देखने में बहुत अच्छा दिखे। तो ये रहा हमारा ग्रीन कलर। तो ये देखिए मैं सारा निकाल कर धूप में डाल रही हूँ, बिल्कुल भी चिपका नहीं। और इधर ऑरेंज कलर और येलो कलर। तो सारा पापड़ हमने धूप में डाल दिया है, अब इसे हम सूखने देते हैं। और इस साइड हमारा जो पीस में कट कर लिया था उसको हमने डाल दिया है, अब इसे हम सूखने देंगे। तो हम मिलेंगे सूखने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पापड़ सूख गया है और बिल्कुल सूख गया है, आप देख सकते हैं कलर में कितना अच्छा हमारा पापड़ बना हुआ है, बिल्कुल भी टूटा फटा नहीं है, बिल्कुल सूख गया है। और ये रहा हमारा पीस में जो कट कर लिया था हमने, अब हम तलेंगे। तो यहाँ पे तेल गरम है, एक पापड़ में डालूँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया है हमारा पापड़। तो हमने कई प्रकार की पापड़ की वीडियोज अपलोड की हुई है, मैदे पापड़ की वीडियो और गाजर के पापड़ और टमाटर के पापड़, साबूदाने के पापड़, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा पापड़ फूल गया, हमने कोई सोडा नहीं डाला था। और ये पापड़ बिल्कुल मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला पापड़ है, हमने बनाया आटे से पापड़, आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपका पापड़ कैसा बना। तो पीस जो हमने कट कर लिया था उसे तल लेते हैं, ये भी कितने अच्छे से फूल गया है, एक बार मैं और दिखाती हूँ तल के। तो फ्रेंड्स अगर ये पापड़ रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सारा पापड़ हमने तल लिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे पापड़ हमारे तल गए हैं, कलर में हमारे पापड़ बने हैं और बिल्कुल मुलायम। तो दोस्तों आप चैनल पे जाकर देख लीजिए, मैंने कई प्रकार के पापड़ की वीडियोज अपलोड की हुई है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले पापड़ की रेसिपी में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।